हेलो फ्रेंड्स फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपको याद होगा कि पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने सीक्वेंसेस के बारे में बात करी है और उसमें हमने न्यूमेरिकल सीक्वेंसेस की बात करी थी हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के नंबर होते थे जिनको हम हम सीक्वेंस के द्वारा जनरेट करना चाहते थे आज हम उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और हम कुछ और बात करते हैं देखिए जब हम आर सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ मुझे डेट्स की ज़रूरत पड़ती है डेट्स मतलब तारीख़ तारीख़ जैसे कि फ़र्स्ट जनवरी फर्स्ट फरवरी फ़र्स्ट मार्च फर्स्ट अप्रैल इत्यादि तो ये हमारा क्या है आप अगर ध्यान दीजिए तो ये भी तुम्हारा एक सीक्वेंस है लेकिन ये सीक्वेंस का है क्या है नंबर का नहीं है डेट्स का है और इसी तरह से जो हमारे डेट्स के सीक्वेंस होते हैं उसको हम मंथली वीकली एनुअल इत्यादि रूप में जनरेट कर सकते हैं तो इस तरह के डेट्स के सीक्वेंस को कैसे जनरेट किया जाए उसको कैसे हैंडल किया जाए उसके बारे में आज हम बात करेंगे उसके अलावा आपके पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे ए बी सी डी इत्यादि तो ये आपके कैपिटल लेटर्स में होते हैं अर्थात अपर केस या लोअर केस दैट इज़ स्मॉल लेटर्स में होते हैं आप अगर देखिए आपके पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और हर की पोजीशन होती है पहले नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट है ए दूसरे नंबर पे कौन सा है बी इत्यादि तो क्या हम अल्फ़ाबेट्स का भी सीक्वेंस निकाल सकते हैं ये हमारे छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम बाद में जब अपनी बड़ी प्रोग्रामिंग करेंगे या डेटाबेस का मैनेजमेंट करेंगे तो उसमें ये काम आते हैं भिन्न भिन्न तरह की जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं उनको जनरेट करने में काम आते हैं तो चलिए हम आज इस लेक्चर में डेट्स और अल्फाबेट्स के सीक्वेंस की बात करते हैं और मैं आपको यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण लूँगा उन उदाहरणों के थ्रू हम आपको हम आर में डेट्स और लेटर्स के सीक्वेंस कैसे जनरेट करते हैं इसके बारे में बात करेंगे तो चलिए हम अपने लेक्चर को आरंभ करते हैं तो आपने पहले देखा था कि हमारे आर सॉफ्टवेयर में कोई भी सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए हमारा कमांड होता है एस ई क्यू और उसी में हम फ्रॉम टू बाई इत्यादि हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स देते हैं और उसके द्वारा हम अपने सीक्वेंस को जनरेट करते हैं तो अब तक आपने इस सीक्वेंस कमांड का इस्तेमाल जो भी नंबर्स के सीक्वेंस होते हैं उनको जनरेट करने में किया है अब हम आज आपको बताएंगे कि इस सीक्वेंस कमांड का इस्तेमाल हम डेट्स के सीक्वेंस को भी जनरेट करने में कर सकते हैं डेट्स माने तारीख राइट right. अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है इस्तेमाल करने का तरीका तो देखिए वही है जो हमारा कमांड है उसका स्ट्रक्चर वही है जो पहले हमने सीक्वेंस में पढ़ाता अर्थात एसी क्यू e. पहले होगा फ्रॉम जहाँ से हमारा स्टार्टिंग होगा फिर होगा टू जहाँ तक हमारा सीक्वेंस जाएगा और उसके बाद होगा बाई कि किस प्रकार से हमारा सीक्वेंस में इंक्रीमेंट होगा उसके बाद हमारे पास लेंथ डॉट आउट और अलॉन्ग विथ ऑप्शन होते हैं लेकिन यहाँ पर एक अंतर है अंतर ये है कि ये जो फ्रॉम टू बाई इत्यादि है इसको आपको एक किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में देना होता है और यहाँ पे क्या होगा जैसे जब हम फ्रॉम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग डेट है उसके बारे में देना होगा और ये एसेंशियल है इसके बिना काम नहीं बनेगा यह आपको देना पड़ेगा उसके बाद हमारे पास अगला है हमारा टू तो टू में हमको हमारी डेट्स कब तक जाएंगी वो हमको देना पड़ेगा लेकिन ये ऑप्शनल होता है क्यों ऑप्शनल होता है हम आपको उसको करके दिखाएंगे उसके बाद में हमारे पास होता है बाई ये बाई देखिए थोड़ा सा अलग है यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हमको जो इंक्रीमेंट देना है उसके बारे में बात करनी अब यह इंक्रीमेंट हमारा दिन के हिसाब से हो सकता है हफ़्ते के हिसाब से हो सकता है महीने के हिसाब से हो सकता है राइट जो हमारा मही है उसके अनुसार हो सकता है अर्थात क्वार्टर और या कलाना हो सकता है अर्थात एनुअल ईयर तो अब अगर हमको अपनी डेट्स को डे वाइज करना है तो हमको ऑप्शन देना होगा बाईज इक्वल टू डे और डे को हमको डबल कोर्स के अंदर लिखना होगा अगर मुझको अपनी डेट्स को हफ्तावार तरीके से बढ़ाना है तो so, हमको देना होगा वीक और वीक को हमको डबल कोर्ट्स में लिखना होगा उसके बाद में डेट्स को अगर मुझको अपने महीने की बेसिस पे चेंज करना है तो हमको लिखना होगा इक्वल टू मंथ और उसको मुझको डबल कोर्ट में देना होगा अगर मुझको इसी तरह से क्वार्टर में अगर हमको तीन तीन महीने पे डेट्स को बदलना है तो हमको ऑप्शन देना होगा क्वार्टर क्यू यू ए आर टी ई आर और अगर हमको एनुअल बेसिस पर काम करना है तो हमको अपना को करना होगा ईयर राइट right? और उसके बाद में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं लेंथ डॉट आउट ये हमारा एक इंटीजर होता है ऑप्शनल होता है और इससे हमको जो भी जितनी लंबाई का सीक्वेंस चाहिए जैसे हमने कमांड किया था लेंथ एल ई एन जी टी एच ये उसको वहाँ पे देगा उसके बाद में हमारे पास एक और ऑप्शन होता है लॉन्ग विद ये हमको जो अपने जो भी हमारे आर्ग्यूमेंट की लेंथ होती है उसके अनुसार काम करता है ये तो हम आपको चलिए यहाँ पे छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं और उसके द्वारा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको अपने डेट्स के सीक्वेंस किस प्रकार से मिलेंगे तो सबसे पहले देखिए हम आपको बताते हैं कि डेट्स का सीक्वेंस का क्या मतलब है जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट जनवरी टू उसके बाद में हमने कहा सपोज़ फर्स्ट जनवरी 2011, थाउजेंड इलेवन फ़र्स्ट जनवरी टू फ़र्स्ट जनवरी 2013 तो ये क्या है ये हमारा एक सीक्वेंस है जहाँ पर हमारा फ़र्स्ट जनवरी एनुअल बेसिस पर रिपीट हो रहा है या इसमें इंक्रीमेंट एक एक साल के ऊपर होता है पहली जनवरी 2010 के बाद एक साल बाद पहली जनवरी 2011 आएगा फिर एक साल बाद पहली जनवरी 2012 आएगा एंड सो ऑन तो ये भी तो हमारा एक सीक्वेंस है तो अगर मुझे मान इस प्रकार के सीक्वेंस को जनरेट करना है तो मुझे किस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा तो देखिए हमारा रूल तो वही है कि सबसे पहले मुझको अपनी स्टार्टिंग डेट देना पड़ेगा फिर एंड डेट देना पड़ेगा और फिर किस प्रकार से इंक्रीमेंट हो रहा है उसको देना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर जब हम डेट की बात करते हैं तो हमारा एक यहाँ पे स्पेशल फॉर्मेट होता है उसके अंदर हम इन फ्राम टू और बाइक की वैल्यू को देते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने कायदे से तो मुझको यहाँ पर फ्राम और टू लिखना चाहिए था लेकिन मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मेरा सीक्वेंस uh, की जो लेंथ ज़्यादा हो रही थी और स्क्रीन पे काफ़ी क्लमजी हो रहा था इसलिए मैंने नहीं लिखा लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब इसको करते हैं तो आपको यहाँ पे फ्रॉम टू लिखना चाहिए तो देखिए पहली वैल्यू हमारी है फ्रॉम की देखिए मुझको यहाँ पे डेट देनी है फ़र्स्ट जनवरी 2010 तो देखिए मैंने कैसे दी है ये हमारी है टू ये हमारा क्या है साल फिर हमारा ये क्या है ज़ीरो ये हमारा क्या है महीना और उसके बाद क्या है ज़ीरो ये हमारा क्या है डेट तारीख तो ये मैंने लिखा है पहली जनवरी अब इसको आप देखेंगे मैंने यहाँ पे लिखा है 2010 उसके बाद में हाइफ़न उसके बाद में ज़ीरो वन हाइफ़न ज़ीरो वन और इसको मैंने डबल कोर्स के अंदर लिख दिया है अब जो डबल कोर्स में अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2010 थाउजेंड टेन माइनस ज़ीरो वन माइनस ज़ीरो वन वो तो नहीं चाहिए ना हमको तो चाहिए कि ये हमारा पूरा पूरा डेट तरह ले तो उसको मैंने डबल कोर्स में लिख दिया देखिए जैसे ही मैंने उसको डबल कोट में लिखा तो इसने उसको एज अ करेक्टर मान लिया तो अब ये कैरेक्टर तो है नहीं तो इस वैल्यू को अगर मुझको पगला है तो मुझे एक कमान यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एज़ डॉट डेट तो क्या लिखा हुआ है एस लोअर केस अल्फ़ाबेट में फिर डॉट उसके बाद में जो डी लिखा हुआ है अपर केस में आप ध्यान दीजिए उसके बाद ए टी ई e, लोअर केस में लिखा हुआ है अब पहला सवाल तो ये आता है कि एज डॉट डेट क्या होता है आपको याद होगा कि हमने आरंभ में इस तरह के कई कमांड किए थे एज डॉट न्यूमरिक एज डॉट करेक्टर इत्यादि अब उसी आधार पर आप अगर सोचने की कोशिश करिए तो हम जब यहाँ पे एस डॉट डेट की बात हम जब कर रहे हैं तो ये क्या करेगा जो भी हमारा इस पैरेंथिस के अंदर वैल्यू लिखी हुई है उसको ये डेट की तरह रीड करने की कोशिश करेगा और उसको ये डेट की तरह कन्वर्ट कर देगा तो देखिए यही बात तो मैंने आपको आरंभ में कहा था कि मैं जो आपको इस कोर्स में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं सारे सारे कमांड्स को अगर मैं पढ़ाने चलूंगा तो तो पूरा टाइम इसी में चला जाएगा लेकिन मैंने इसमें से कुछ कमांड्स को अलग किया है और उसको मैं ऐसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं आपको बेसिक फंडामेंटल दे देता हूँ या मैं कुछ कमांड आपको समझा देता हूँ तो बाकी कमांड आप खुद ब खुद ही समझ जाएंगे तो जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको एस डॉट न्यूमरिक बता दिया एस डॉट करेक्टर बता दिया उसी प्रकार से अगर यहाँ पे एस डॉट डेट आया है तो आपको खुद ब खुद समझ आना चाहिए कि ये पैरेंथिस के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है उसको ये डेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने की की कोशिश कर रहा है ओके okay, तो ये हमारा हो गया फ्रॉम अब हम आते हैं टू के ऊपर तो यहां भी मैंने कर दिया टू जीरो वन सेवन माइनस जीरो वन माइनस जीरो वन डबल कोर्स में लिख दिया और उसके बाद में कर दिया एज डॉट डेट सो एग्जैक्टली जब भी मुझको आप अगर अपनी डेट को देना होगा तो हम इसको इसी फॉर्मेट में देंगे अब उसके बाद बात आती है कि ये हमारी डेट यहां से शुरू होकर के यहां पे समाप्त हो जाएंगी लेकिन उनका इंक्रीमेंट कैसे होगा उसके लिए मैंने यहां पे लिख दिया बाई इक्वल टू ईयर्स और इसको मैंने डबल कोर्स में दे दिया वाई ई ए आर एस लोअर केस अल्फाबेट्स में अब देखिए जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो इसका आउटपुट ऐसे आ गया ये हो गया फ़र्स्ट जनवरी 2010 थाउजेंड टेन फर्स्ट जनवरी टू फर्स्ट जनवरी 2012 थाउजेंड फर्स्ट जनवरी 2013 14 15 16 और फाइनली फर्स्ट जनवरी 2017 राइट तो यही तो आपको आवश्यकता आप थी इसी बात की तो आपको आवश्यकता आप थी कि आपको फ़र्स्ट जनवरी 2010 से लेकर के फर्स्ट जनवरी 2017 तक की डेट्स को निकालना था अब यहाँ पे आप जहाँ पर आपने यश लिखा हुआ है वहाँ पे आप मंथ कर सकते हो डेस कर सकते हो इत्यादि जो भी आपको करना है आप कर लीजिए जो भी आपकी आवश्यकता आप है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं तो उम्मीद करते हैं कि अब आप इसको कर लेंगे अब हम आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं ये एग्ज़ाम्पल वैसे ही है जैसा कि आपको याद होगा कि हमने सीक्वेंस में एक ऑप्शन किया था फ्रॉम उसके बाद में बाई और उसके बाद में किया था लेंथ अर्थात कि कोई भी हमको ऐसा सीक्वेंस चाहिए जो कहाँ से आरंभ हो रहा है ये मुझे पता है फ्रॉम और वो हमको उसमें कितनी वैल्यू चाहिए उसकी लंबाई मुझे पता है और उसके अंदर इंक्रीमेंट किस प्रकार से होगा ये मुझे पता है हमने इस तरह के कई उदाहरण किए थे अब उसी उदाहरण की बेसिस पे हम अपने केस का सीक्वेंस से उसको निकालने की कोशिश करते हैं डेज मतलब दिन तो जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि हमको पहली जनवरी 2017 से हमको आगे छः दिनों की तारीख चाहिए राइट तो हमने कर दिया यहाँ पे जो फ्रॉम था फ्रॉम मैंने कर दिया फर्स्ट जनवरी 2017 थाउजेंड exactly एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है जैसा मैंने आपको अभी बताया है एज डॉट डेट उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर परेंथेसिस के अंदर डबल कोर्स में डेट को लिखना है स्टार्टिंग डेट फिर आपने कर दिया बाई इक्वल टू डेज और डेज को आपने डबल कोर्स में लिख दिया और डी ए वाई एस ये आपका लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में हो गया और फिर उसके बाद आपको खेत तारीखें चाहिए तो आपने यहाँ पे कर दिया एल ई एन जी टी एच लेंथ इक्वल टू सिक्स अब उसके बाद जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए क्या होगा ये आपको फर्स्ट जनवरी 2017 उसके बाद सेकेंड जनवरी 2017, थाउजेंड थर्ड जनवरी 2017, थाउजेंड फोर्थ जनवरी फिफ्थ जनवरी और सिक्स जनवरी 2017 थाउजेंड की आपको डेट्स मिल गई राइट right. तो आपने देखा कि यहाँ पे खाली फ्रॉम, बाई और के साथ में अगर मुझको ये पता है कि मुझको कितने ऑब्जर्वेशन चाहिए उसको हम सीक्वेंस में जो हमने नंबर के साथ में डेट्स के भी हम सीक्वेंस निकाल सकते हैं ओके okay, अब हम जरा से यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है बाई इसकी जगह हम कर देते हैं मंथ्स और बाकी हमारा कमान पूरा पूरा, पूरा वैसा ही है अर्थात कि फर्स्ट जनवरी टू से आरम्भ करते हुए मुझको आप मंथली छः डेट बताइए तो मैंने कह दिया बाई इक्वल टू मंथ और लेंथ इक्वल टू सिक्स तो देखिए आपको जब एग्जीक्यूट किया तो आपका पहला ऑप्शन क्या आ गया पहला आंसर आ गया फर्स्ट जनवरी 2017 फिर फर्स्ट फरवरी 2017 थाउजेंड फर्स्ट मार्च 2017 फिर देखिए फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट मई और फर्स्ट जून दो हज़ार आपको देखिए यहाँ पे मंथ्स का सीक्वेंस मिल गया उसी प्रकार से अगर आपको ईयर्स का अगर सीक्वेंस अगर निकालना अगर है तो मैंने यहाँ पे बाइक की जगह कर दिया ईयर्स तो देखिए आपका ये फर्स्ट जनवरी 2017 से शुरू हुआ और आपने यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ इक्वल टू सिक्स तो पहली वैल्यू आपकी आ गई फर्स्ट जनवरी 2017 फिर फर्स्ट जनवरी 2018 थाउजेंड फर्स्ट जनवरी 2019 थाउजेंड 20 दैन ट्वेंटी ट्वेंटी वन और उसके बाद फर्स्ट जनवरी 2022 ये देखिए आ गया तो उसी प्रकार से आप देखिए कि हम इन डेट्स को बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं और देखिए इसका सभी के स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर दिए हुए हैं आप उसको बहुत आराम से देख सकते हैं अब हम आपको यहाँ पे एक कार्य और करके दिखाते हैं इसमें से यह कि पहला तो हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जो भी हमारी डेट्स होती हैं उनको हम एक किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं और अगर आपको कभी डेट्स ऐसी चाहिए जो कम होती हुई हों जिनका क्रम हमारा घटता हुआ है जैसे कि हमारे नंबर होते हैं एक दो तीन चार पाँच वो तो बढ़ते हुए क्रम में है और अगर घटते हुए क्रम में है तो फाइव फोर थ्री टू वन इस तरीके है तो अब यही कार हम अपनी डेट के साथ भी करना चाहते हैं जैसे जनवरी फरवरी मार्च तो बढ़ता हुआ हुआ क्रम हुआ उसी तरह से मार्च फरवरी जनवरी हमारा घटता हुआ क्रम हुआ तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको कैसे किया मैंने एक दो वेरिएबल डिफाइन किए एक दिया स्टार्ट डेट और एक दिया एंड डेट स्टार्ट डेट में हमने जिस डेट से मुझको अपना स्टार्ट करना है वो वाली वैल्यू दे दी उसको मैंने ले दिया एज डॉट डेट और ये हमने ले दी फर्स्ट जनवरी 2016 और एंड डेट देती थी मैंने एज डॉट डेट और डबल कोर्स में मैंने उसको लिख दिया फर्स्ट जनवरी 2017 राइट right. अब उसके बाद में मैंने इसका एक सीक्वेंस लिखा सीक्वेंस से मैंने पहले लिखा एंड डेट फिर लिखा स्टार्ट डेट जो हमको यहाँ से मिल जाएगा और साथ में मैंने लिखा बाई इज इक्वल टू डबल कोर्स में मैंने लिखा माइनस वन मंथ और ये सब कुछ मैंने पैरेंथिस के अंदर लिख करके उसको बंद कर दिया और उसका जो भी आउटकम है उसको मैंने आउट के अंदर स्टोर कर दिया अब ज़रा समझने की कोशिश करिए जब आपने सीक्वेंस कमांड किसी नंबर के बारे में किया था तो आपने क्या था कि अगर मुझे कोई सीक्वेंस चाहिए जो 20 से 10 तक आए और उसमें से इंक्रीमेंट हमारा जो होगा वो हमारा माइनस टू होगा अर्थात वो डिक्रीमेंट होगा तो अगर मुझे इसी तरह का कार अगर डेट के साथ में करना है तो किस प्रकार से किया जाए यही बात मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर जब इसका आउटपुट आएगा तो आप देखिए ये किस क्रम में है पहली तारीख़ क्या है पहली जनवरी 2017 उसके बाद अगली क्या है पहली दिसंबर 2016 उसके बाद पहली नवंबर 2016 फिर पहली अक्टूबर 2016 उसके बाद में पहली सितंबर उसके बाद में पहली अगस्त पहली जुलाई पहला जून पहला मई पहला अप्रैल पहला मार्च पहला फरवरी और पहला जनवरी फर्स्ट जनवरी 2016 तो आपने क्या देखा आपको देखिए डेट्स कम होते हुए घटते हुए क्रम में आपको यहाँ पे अरेंज हो गई उसी प्रकार से आप यहाँ पे माइनस वन की जगह कोई और माइनस टू या माइनस थ्री नंबर लेंगे तो उसी प्रकार से आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं तो देखिए इस उदाहरण के द्वारा मैंने आपको दो बातें सिखाने की कोशिश करी कि नंबर वन जिस तरीके से हम अपने सीक्वेंस के जो नंबर्स को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं उसी प्रकार से हम डेट्स के सीक्वेंस को भी किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और दूसरी बात कि अगर हमको यहां पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर डेस का सीक्वेंस चाहिए तो दोनों चीजें संभव हैं खाली आपको जो हमारे गलत के नियम होते हैं सीक्वेंस के नियम होते हैं उनका पालन करते हुए फ्रॉम और टू की वैल्यू को देना है और देखिए ये इसका स्क्रीन है जो आपने अभी देखने की कोशिश करी है तो चलिए आगे बढ़ने के पहले हम आपको इन चीजों को आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा देते हैं सो so दैट कि आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये चीज़ें हम बहुत आसानी से कर सकते हैं राइट right. तो चलिए ये जो पहला हमारा कमान था जहाँ पर हमने फर्स्ट जनवरी से लेकर के फर्स्ट जनवरी 2010 से फर्स्ट जनवरी 2017 तक की एनुअल डेट्स निकाली थी उसके बारे में बात करते हैं देखिए है। ये ये आपने दिया फ्रॉम फिर दिया टू और फिर दिया बाई उसका देखिए ये आपकी डेट्स मिल गई उसके बाद में आप अगर अपना ये वाला आप उदाहरण करके देखना चाहते हैं जहाँ पे आपने जो छः तारीखों को लिया है और उसमें से छः तारीखें पहली जनवरी 2017 से से आरंभ हो रही हैं और वो डे वाइज चेंज हो रही हैं अर्थात पहली जनवरी पहली दैन दूसरी जनवरी थर्ड जनवरी फोर्थ जनवरी इत्यादि इसी में आप अगर मान लीजिए डेज़ के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर मंथ्स की बात करते हैं तो आप डेज़ की जगह कर दीजिए मंथ्स तो देखिए आपको ये मंथली डेटा मिल गया फर्स्ट जनवरी फर्स्ट फरवरी फर्स्ट मार्च इत्यादि और अगर इसी को आपको अगर एनुअल करना अगर है तो आपने यहाँ पे कर दिया ईयर्स राइट right, तो देखिए आपको ये फर्स्ट जनवरी टू 2018 19 टू करके आपको देखिए चार और दो छः वैल्यू मिल गई और देखिए इन तीनों केसेस में आपको छः छः वैल्यूज़ मिली हैं आपने देखा कि इस तरह के डेटा को अरेंज करना और इसको जनरेट करना बहुत ही आसान काम है राइट right. इसके बाद चलिए मैं आपको देखिए यहाँ पर एक और ये जो उदाहरण था हमारा स्टार्ट डेट और एंड डेट वाला इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ तो सबसे पहले चलिए मैं अपना ये दोनों वेरिएबल को स्टार्ट डेट और जो एंड डेट है इनको मैं पहले मैं यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ राइट right. उसके बाद मैं इस कमांड को यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूट करता हूँ उसके बाद मैं आपको कुछ कमांड में कुछ और करके दिखाऊंगा कि जिससे कि आपको कुछ और बातें समझ में आएंगी तो देखिए ये यह मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर दिया और इसका आउटकम देखेंगे तो ये क्या हो गया आउट राइट right. अब अगर हम मान लीजिए यहाँ पर अगर हम जो जो हमने दिया हुआ है बाइज इक्वल टू माइनस वन मंथ इसको अगर हम मान लीजिए बढ़ते हुए क्रम में चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया प्लस कर दिया तो देखिए क्या होता है या फिर इसने आपको ये दिया मिस्टेक क्यों आपकी देखिए एंड डेट आपने पहले लिखी हुई है स्टार्ट डेट इसके बाद लिखी हुई है इसलिए ऐसा हो रहा है राइट right. तो यहाँ पे जब आपने इसको किया है तो देन आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं सीक्वेंस स्टार्ट डेट से एंड डेट राइट और आप देखेंगे इसके साथ में आपको यहाँ पे अगर आप दे देते हैं बाई बाई इक्वल टू सपोज आपने दे दिया मंथ्स तो देखिए ये आपको आउटपुट दे देगा राइट तो जिस प्रकार से आपने सीक्वेंस में जिस तरह के प्रिकॉशंस लिए थे गलत के नियमों का वही कार्य आपको यहाँ भी करना है राइट ओके अब इसके बाद हम आपको एक कॉन्सेप्ट और देने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास दो तरह के अल्फाबेट होते हैं एक तो हम हिंदी में कहते हैं छोटी वर्णमाला अर्थात अंग्रेज़ी की वर्णमाला वाला और जिसके अंदर हमारे पास लोअर केस अल्फाबेट्स होते हैं जैसे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी इत्यादि जो हम एक कॉमन भाषा में इनको स्मॉल लेटर्स बोलते हैं राइट और उसी तरीके से आपके पास कैपिटल लेटर्स भी होते हैं ए बी सी डी इत्यादि कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी तो अगर मुझे इन अक्षरों का इन अल्फाबेट्स का अगर मुझे सीक्वेंस निकालना है तो उसको किस प्रकार से किया जाए तो सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान देनी है कि ये जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं इसमें हर एक अल्फाबेट की जो लोकेशन है वह फिक्स होती है अर्थात अगर हम ए की बात करते हैं तो ए हमारा हरदम पहले स्थान पर ही आएगा और अगर हम बी की बात करते हैं तो बी हमारा हरदम दूसरे स्थान पर ही आएगा सी हमारा हरदम तीन नंबर की, की पोजीशन पर ही आएगा कभी ऐसा आपने पढ़ा है कि आपका ए बी सी की जगह आपकी अल्फ़ाबेट होती हैं बी ए सी नहीं इसलिए हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शनस हैं कि अगर हम इन अल्फ़ाबेट्स को अगर हम हैंडल करना चाहते हैं तो उसका हमारा कमान क्या होगा और अपने इस अफाबैट की सीखने से अगर हम कुछ अल्फ़ाबेट्स को बाहर निकालना चाहते हैं या हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट है इसके बारे में अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो उसको किस प्रकार से किया जाए उसके लिए हम इस ये जो हमारी लोकेशंस हैं वन टू थ्री फोर हम उसकी सहायता लेने की कोशिश करेंगे और आप अगर देखेंगे तो ये वन टू थ्री फोर क्या है ये इसका इंडेक्स ही तो है ओके तो चलिए सबसे पहले हम अपने लोअर केस अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं तो लोअर केस अल्फ़ाबेट्स को आर में जनरेट करने के लिए हमारे पास कमांड होता है एल ई डबल टी ई आर एस और ये सारे के सारे हमारे लोअर केस में होते हैं और जब इसको आप आर सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आपको इस तरह का आउटपुट मिल जाएगा तो देखिए ए आपका पहली पोजीशन पे है बी आपका दूसरी पोजीशन पे है सी आपका तीसरी पोजीशन पे एंड सो ऑन और ये इसका देखिए स्क्रीनशॉट भी है अब इसके बाद में अगर हमको इन अल्फाबेट्स को कॉल करना है तो कैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि हमको एक किसी पर्टिकुलर लोकेशन से हमको अल्फ़ाबेट कॉल करना है तो जो उसकी लोकेशन है उसका इंडेक्स है जो हमारा वन टू थ्री फोर अप टू ट्वेंटी सिक्स उस इंडेक्स को हम यहाँ पे इस प्रकार से यूज़ करते हैं सबसे पहले लिखेंगे एल ई डबल टी ई आर एस लेटर्स उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कर देंगे फ्रॉम और टू और बीच में लगा देंगे कोलन तो इसके द्वारा हमको जो फ्रॉम से लेकर के टू तक हमारी पास जो भी लोकेशन मैंने दी है उसमें जो भी अल्फाबेट्स होंगे वो मुझे मालूम चल जाएंगे तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा पहला एल ई डबल टी ई आर एस वन कोलन थ्री इसका मतलब क्या हुआ कि मुझको जो भी पहला दूसरा और तीसरा पोजीशन पर जो अल्फ़ाबैट्स है वो निकालने हैं तो देखिए आपने जैसे ही एंटर किया आपको मिल गया ए बी और सी तो ए आपका पहली पोजीशन पे होता है बी दूसरी पोजीशन पे और सी आपका थर्ड पोजीशन पे है इसका मतलब क्या कि है किसी भी अल्फ़ाबेट को आप उसका इंडेक्स से या उसकी लोकेशन से आप उसको कॉल कर सकते हैं और आपको खाली उसका जो इंडेक्स है उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में करके लिखना पड़ेगा उसी प्रकार से आप अगर आ, ऐसे लिखते हैं एल ई डबल टी ई आर एस और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं आप थ्री कोलन वन तो ये क्या करेगा सबसे पहले जो थर्ड नंबर पे अल्फाबेट उसको दे देगा सी उसके बाद बी उसके बाद ए तो थ्री टू वन इन लोकेशन पर जो भी अल्फ़ाबेट से हैं यहाँ पर आउटकम में मिल जाएंगे उसी प्रकार से अगर हम कहते हैं कि इक्कीसवीं से तेसवीं पोजिशन पर हमारे कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं तो मैंने कह दिया एल ई डबल टी ई आर एस और स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया ट्वेंटी वन कोल ट्वेंटी थ्री तो देखिए हमको ये बता देगा यू वी डब्लू ट्वेंटी फर्स्थ पोजिशन पर हमारा होता है यू ट्वेंटी टू पोजिशन पर होता है वी और ट्वेंटी थ्री पोजिशन पर होता है हमारा डब्लू उसके अलावा अगर आपको मान लीजिए ये मालूम करना है कि दूसरी पोजिशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट है तो आपने यहाँ पर लिख दिया लेटर्स और स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिख दिया टू तो दूसरे नंबर की पोजन पर कौन सा अल्फ़ाबेट होता है बी तो देखिए ये बी हो गया और ये इसका देखिए स्क्रीन भी है अब जो कार्य आपने अपने लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में किया है उसको हम अपर केस अल्फ़ाबेट्स के अंदर भी कर सकते हैं तो जो मैंने कमांड जो मैंने आपके उदाहरण लोअर केस अल्फ़ाबेट्स के लिए हैं वही तरह से अब हम अपर केस अल्फ़ाबेट्स के लिए लेने की कोशिश करते हैं तो अपर केस अल्फ़ाबेट्स को जैसे हमारे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी इत्यादि को जनरेट करने के लिए हमारा कमांड होता है एल ई डबल टी ई आर एस लेकिन ये हमारे इसमें से हर एक अक्षर हमारा अपर केस अल्फ़ाबेट में लिखा जाएगा अर्थात कैपिटल गेटर्स में आपको ये एल ई डबल टी ई आर एस लिखना है और जब इसको आप आर कंसोल पर एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आपको इस तरह का आउटकम मिल जाएगा तो कैपिटल ए की जो लोकेशन क्या है वन कैपिटल बी की लोकेशन क्या है दो कैपिटल सी की लोकेशन क्या है तीन एंड सो ऑन तो अब देखिए ये जो आपकी लोकेशन है इसके द्वारा आप इन अपर केस अल्फ़ाबेट्स को भी कॉल कर सकते हैं तो जैसा देखिए आपको दिखाते हैं हमारा वही मेथड है जैसा मैंने लोअर केस में किया है बस यहाँ पर मुझको खाली लोअर केस अल्फ़ाबेट्स की जगह हम उसको अपर केस अल्फ़ाबेट्स में लेटर्स लिखना है तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया अगर मुझको मान लीजिए पहली से तीसरी पोजिशन तक में जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनके बारे में अगर मालूम करना है कि कौन कौन सा अल्फ़ाबेट है तो मैंने लिख दिया एल ई डबल टी ई आर एस कैपिटल लेटर्स में और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया वन कोलन थ्री तो देखिए क्या मिल गया आपको ए बी सी जो ए हमारा पहली पोजीशन पर है बी हमारा दूसरी पोजीशन पे और सी हमारा थर्ड पोजीशन के ऊपर है और उसी प्रकार से अगर आपको थ्री टू वन पोजिशन पर कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं उसको निकालना है तो आपने कैपिटल लेटर में लिख दिया एल ई डबल टी ई आर एस और ब्रैकेट में आपने लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में थ्री कोलन वन तो आपको ये तीन नंबर की पोजीशन पे, दो नंबर की पोजीशन पे और एक नंबर की पोजीशन पे जो जो अल्फ़ाबेट्स हैं सी बी ए वो आपको दे देगा उसी प्रकार से आपको अगर 21, 22 और 23 पोजीशन पर जो भी अल्फाब से उसके बारे में निकालना है तो आपने वही कमांड यूज़ किया एल ई डबल टी ई आर एस और, और स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिख दिया 21 वन ओलन तो ये देखिए क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे 21 वन पोजिशन पर है यू ट्वेंटी टू पोजिशन पे है आपका वी और ट्वेंटी थर्ड पोजिशन पे क्या है डब्ल्यू तो देखिए आपको यू वी डब्ल्यू आपको मिल गया उसी प्रकार से अगर आपको दूसरे नंबर की लोकेशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट है इसके बारे में मालूम करना है तो आपने यहाँ पे लिख दिया एल ई डबल टी ई आर एस और स्क्वायर विकेट में लिख दिया टू तो ये आपको क्या मिल गया बी राइट तो आपने देखा कि इन लेटर्स को हैंडल करना बहुत ही आसान काम है लेकिन अब हम जरा सा आपको इनको अपने इस आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं जिससे कि आपके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो देखिए सबसे पहले आप अपने लोअर केस और अल्फा वेस्ट को निकालने के लिए कमांड होता है एल ई डबल टी ई आर एस उसको देखिए आपको क्या आउटपुट देता है इसने आपको यह आउटपुट दिया उसी प्रकार से अब अगर आपको लेटर्स में एक से लेकर के चार तक के बीच में कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं आपने दे दिया लेटर्स और स्क्वायर ब्रैकेट में वन कोलन फोर तो इसने आपको दे दिया ए बी सी डी इसके बाद में आपने अगर इस ये चाहा कि फोर से वन तक कौन से अल्फाबेट आते हैं तो आपने कर दिया फोर कोलन वन तो ये क्या हो गया डी सी बी ए उसी तरीके से अब आप आपने यहाँ पर देखा अगर कि अगर मुझको मान लीजिए कि 24 से लेकर के 26 तक हमारे कौन कौन से लेटर आते हैं आपने कह दिया एक्स वाई जेड राइट अब अगर हम कहें कि मान लीजिए कि एल्गोकेटस में छब्बीसवीं पोजिशन पर कौन सा लेटर आता है आपने कह दिया जेड अब अगर मान माली हमने चाहा कि सत्ताईसवीं पोजीशन पर हमारा कौन सा लेटर आता है तो इसने हमको दे दिया उत्तर एन ए वाई क्यों ऐसा क्यों किया क्योंकि हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स ही तो होते हैं तो सताइसों अल्फ़ाबेट कोई होता नहीं तो उसने दे दिया कि ये यहाँ पर है ही नहीं एन ए है इस है अवेलेबल नहीं है तो आपने देखा कि इन लेटर्स को अल्फ़ाबेट्स को हैंडल करना बहुत आसान काम है अब जरा सा हमको यही एक्सरसाइज आपको जरा हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के लिए करके दिखा देते हैं तो देखिए आपने कमांड यूज़ किया एल ई डबल टी ई आर एस तो इसने आपको दे दिया ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स उसके बाद में आपने कहा कि सपोज एक से लेकर के पाँच तक में कौन से हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वो हम निकालना चाहते हैं तो इसने आपको ए बी सी डी ई e, पाँच अल्फ़ाबेट्स दे दिए और यही अगर आपको पाँच से लेकर के एक तक आपके जो अल्फाबेट्स होते हैं उसको देखना चाहते हैं उल्टी डायरेक्शन में तो इसने आपको दे दिया ई डी सी बी ए और इसी में आप अगर मान लीजिए आप ये कहते हो कि हमको सपोज़ कि इक्कीसवीं से लेकर के पच्चीसवीं पोजीशन तक हमारे कौन कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं उसको देख देखना चाहते हैं तो उसने दे दिया यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और इसी प्रकार से आपने कहा कि ये सपोज़ कि दूसरी पोजिशन पर हमारा कौन सा लेटर आता है तो इसने कह दिया बी उसी तरह से आपने कहा कि 26वीं पोजीशन पर कौन सा लेटर आता है तो उसने कह दिया Z और अगर आपने कहा तेईसवीं पोजीशन पर कौन सा लेटर आता है तो उसने कह दिया एन ए क्योंकि होता ही नहीं है अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे अगर आप मान लीजिए आप स्मॉल लेटर में करते हैं या आप अगर कैपिटल uh, लेटर में आप अगर इसका एस हटा देते हैं और आप टाइप करते हैं खाली एल ई डबल टी ई आर तो देखिए ये फाउंड नहीं करेगा क्योंकि ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है जो हमारा स्पेलिंग है वो हमारा है एल ई डबल टी ई आर एस राइट तो ये आपको ध्यान रखना है तो so, चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं और साथ ही हम अपना जो भी सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे थे उसको भी आज हम रोकेंगे मैंने आपको कुछ जो हमारे रिप्रजेंटेटिव सीक्वेंस के कमांड होते हैं या जो हमारे पॉपुलर सीक्वेंस होते हैं उनको किस प्रकार से जनरेट किया जाए उसके लिए आपको अपने सीक्वेंस कमांड में भिन्न भिन्न पैरामीटर्स को किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए उसके हमने उदाहरण लेकर के आपको इन सीक्वेंस का जो भी यूज़ है इस्तेमाल है मैंने आपको करके दिखाया है अब आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको याद करना है कि जब हमने सीक्वेंस कमांड की बात करी थी जब हमने न्यूमेरिकल सीक्वेंस की बात करी थी तो हमने वहाँ पे कई सारे ऑप्शंस लिए थे फ्रॉम टू बाय इत्यादि तो उन्हीं को आपको जरा सा यहाँ पर ही इम्प्लीमेंट करना है बस आपको इतने तो ध्यान रखना है कि आपके जब आप डेट्स की बात कर रहे हो तो आपको जो फ्रॉम और टू एज डॉट डेट के फॉर्मेट में होगा पहली बात तो ये है दूसरी बात मैंने आपको जो भी यहाँ पर उदाहरण लिए हैं मैंने आपको कुछ ही लिया है जैसे मैंने मैंने कह दिया बाई ईयर्स अब आप उसमें से बाई क्वार्टर बाई डे बाई मंथ इत्यादि आप उनको रिपीट करिए देखिए काम करते हैं कि नहीं करते हैं और उसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा उदाहरण है जो आपको लगता है कि आपको हल करना चाहिए आप उसको आर सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए और प्रैक्टिस करिए तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए सीक्वेंस को समझिए और हम आपको अगले लेक्चर में नए टॉपिक तो के साथ फिर से मिलने आएंगे तब तक तो के लिए गुड बाय